अब चंद्रमा पर चलेगी ट्रेन, जानिए कितनी होगी रफ्तार, क्या होगा इसका काम। नासा ने चंद्रमा की सतह पर उड़ने वाली रोबोट ट्रेन बनाने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। एक ब्लॉग पोस्ट में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक नामक परियोजना के बारे में डिटेल दी है। नासा के शुरुआती डिजाइन के मुताबिक फ्लोट केवल मशीनों के लिए होगा। इसमें चंद्रमा की सतह पर धूल से घर्षण को कम करने के लिए 3 लेयर फिल्म ट्रैक पर उड़ने वाले मैग्नेटिक रोबोट शामिल होंगे। इन रोबोटों पर गाड़ियां लगाई जाएगी और लगभग 1.61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसमें नासा के भविष्य के चंद्र बेस तक प्रतिदिन लगभग 100 टन सामग्री पहुंचा सकते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि फ्लोट का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के उन क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं देना होगा जहां अंतरिक्ष यात्री सक्रिय हैं। इसमें चंद्रमा की मिट्टी और अन्य सामग्रियों को चंद्रमा की सतह के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाना शामिल होगा। रेलवे का बाकी काम उन क्षेत्रों तक सामग्री और उपकरणों को पहुंचाना होगा जहां अंतरिक्ष यान उतरते हैं। नासा ने अपने पोस्ट में कहा, इसके ट्रैक के नेटवर्क को चंद्रबेस मिशन की बढ़ती जरूरत के अनुसार रोल ऑफ री कॉन्फिगर किया जा सकता है।